पुतिन की शह विरोधियों को मात खाने पर इसलिए मजबूर करती है क्योंकि वो पर्दे के पीछे के खेल के माहिर हैं। करीब 15 साल तक केजेबी एजेंट की पारी ने उन्हें साम दाम दंड भेद का माहिर बना दिया। दुनिया के बिसात पर पुतिन ने बहुत चालाकी से अपने मोहरे बिठाए हैं, बहुत बारीकी से वक्त की नब्ज पकड़ते हुए अपने दोस्त और दुश्मन चुने हैं। अमेरिका को कई फ्रंट पर पुतिन पीट चुके हैं। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए वर्चस्व, क्रोनोलॉजी ऑफ सुपर कॉन्फ्लिक्ट्स। July 25, 2020, कुनितारा, सीरिया। इसराइल के हेलीकॉप्टर्स ने बम बरसाकर ईरानी लड़ाकों के सैन्य अड्डे नेस्तनाबूद कर दिए। तीन आर्मी बेस पर एक ही वक्त रॉकेट और बम गिरे। धमाके से सैन्य अड्डा दहल गया और पूरा कुनितारा थर्रा उठा। हमले में दो बेगुनाहों की जान गई। इसके साथ सीरिया के गृह युद्ध में बेगुनाहों की मौत का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुंच गया। एक गोली कांड से शुरू हुआ था यह खूनी संग्राम। हाईटेक मशीन गन से सीरिया की फौज ने हजारों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की लाशें बिछ गई। ये वो आंदोलनकारी थे जिन्हें राष्ट्रपति बशर अल असद की तानाशाही बर्दाश्त नहीं थी। इस गोलीकांड से सीरिया में गृहयुद्ध छिड़ गया। प्रेसिडेंट बशर अल असद गृहयुद्ध में पस्त होने लगे। विद्रोही सेना जीतने लगी तो उनसे लड़ने आतंकियों की सेना उतर आई। आतंकी सेना जीतने लगी तो दुनिया के कई और देशों ने दखल दिया। फिर तो इतना भीषण युद्ध छिड़ा कि सर्वशक्तिमान सेनाएं भी कूद पड़ी। कई मोर्चे पर युद्ध शुरू हुआ और इतना भयानक होता गया कि जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की, खासकर व्लादिमीर पुतिन ने तो कतई नहीं। 5 साल पहले पुतिन ने इस युद्ध में एंट्री ली थी। सितंबर 2015 रशियन एयरफोर्स ने सीरिया में पहली स्ट्राइक की। निशाने पर सीरिया का होम्स शहर था। होम्स के सीने पर पुतिन के फाइटर जेट्स ने इतना बारूद बरसाया कि पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। होम्स के बाद एलेप्पो शहर, फिर इदलिब शहर। 1 साल के अरसे में रूस ने सीरिया में तहलका मचाकर खुद को युद्ध से अलग कर लिया। बशर अल असद पुतिन की मदद से बाजी जीतने के करीब थे, लेकिन तभी सुपर पावर अमेरिका की एंट्री हुई और खेल बदल गया। बगदादी के बहाने अमेरिकी फौज ने सीरिया में एंट्री की, जिसके साथ नाटो देशों की सेनाएं थी। सुपर पावर के टारगेट पर बशर अल असद थे। बशर को बचाने की खातिर पुतिन ने दोबारा सीरिया में एंट्री की। पुतिन के इस दांव से सुपर पावर बैकफुट पर आ गया। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब अमेरिका ने रूस के आगे घुटने टेके। रूसी सेना के साथ मिलकर अमेरिकी फौज ने आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा शुरू किया। 11 दिसंबर को युद्ध में जीत का जश्न मनाने प्रेसिडेंट ट्रंप खुद सीरिया पहुंचे। अमेरिका के सीरिया के युद्ध में एक नहीं चली। बगदादी की मौत के सिवाय सुपर पावर के हिस्से में कुछ नहीं। ठीक यही सब लीबिया में पुतिन ने किया। जिस अमेरिका ने लीबिया का युद्ध जीता, वहां आज उसका कोई दखल नहीं। पुतिन ने लीबिया में अपने मन मुताबिक मोहरे बिठा दिए। लीबिया में दो पावर सेंटर, एक है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड जिसके मुखिया हैं प्रधानमंत्री फयाज अल सराज, वहीं दूसरे हैं जनरल हफ्तार जिनकी लीबियन नेशनल आर्मी आधे देश पर काबिज है। पुतिन ने प्रधानमंत्री फयाज अल सराज को समर्थन दिया जो कभी अमेरिका की पसंद थी। ऐसे ही ईरान को शह देकर पुतिन ने सुपर पावर का दम खाड़ी मुल्कों में उखाड़ फेंका। जिन मोर्चों पर अमेरिका का दबदबा था, वहां एक एक कर पुतिन का दखल बढ़ता गया जो सुपर पावर बर्दाश्त नहीं कर पाए। सारे फसाद की जड़ में
दो महाशक्तियों के बीच वर्चस्व की जंग है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।